नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो आज हम जो जियोलॉजी या अर्थ साइंस के जो कैंडिडेट्स या जो मेंबर्स इसमें हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिस है। आपने देखा होगा, हालांकि कुछ दिन हो गया है, 10 दिन लगभग एक हफ्ता हो गया है इस नोटिस को आए हुए। तो इसमें जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट है, वहाँ पर एक साइंटिफिक असिस्टेंट की एक पोस्ट आई हुई है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है। आप जो वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट की वेबसाइट चेक करके भी देख सकते हो, और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ से आप देख लोगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है आपका। आप अपने जो वेबसाइट पे आप चेक करिएगा तो उस वहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है, जहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें आज के वीडियो में। सो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट है और क्या उसका क्राइटेरिया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। केवल आपको ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देर इज़ नो ऑप्शन फॉर ऑफलाइन मोड। सो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, और जो लास्ट डेट है, यू हैव टू रिमेंबर द लास्ट डेट, दैट इज़ द 24th of October 2021। ओके, सो आई थिंक 1 week इज़ रिमेनिंग, सो यू कैन फिल इफ़ यू वॉन्ट टू फिल द फॉर्म। ओके, वॉट आर द पोस्ट क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ पोस्ट, that we will discuss in this video. There are several posts, for example scientific assistant for physics background and for chemistry background as well as for geology background. So our main focus will be on the geology for the students of geology background. So here you can see the scientific assistant in geology field. Okay, pay band is given here 35,400. This is the initial pay band. There will be another emoluments, there will be another allowances that will be added in that. So number of posts, total number they are 14, and the how they had been distributed vertically and horizontally, that given here. What is more important for you to understand, that is the educational qualification here if we talk about. So this is BSc in geology with a minimum of 60% aggregate marks. Okay, so if any candidate which have 60% or more than that aggregate percentage in undergraduate classes, that candidate can apply for this post. Okay, so 60% आपका होना चाहिए, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे BSc आपका होना चाहिए। सो जो जिन्होंने BSc किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर जो PhD कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो BSc जो है यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है। अब एज का भी कुछ रिलैक्सेशन है इसमें, देखिए OBC के लिए, जनरल के लिए 30 है, 30 ईयर्स होना चाहिए, EVS के EWS के लिए भी 30 ईयर्स है, बाकी आपका OBC SC ST में 3-3 साल या 5-5 साल का उसी तरह से रिलैक्सेशन है, वो आप देख लीजिएगा इसमें। मैं लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाके रेगुलरली आप चेक कर सकते हो। जो भी इसमें डेट आई हुई है तो उसमें एग्ज़ाम की डेट नहीं है कि एग्ज़ाम आपका किस डेट पर होगा। ओके, सो इसके लिए आपको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा, और मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा भी जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, या अगर सिलेबस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी मैं आपके लिए इसको बना दूंगा। देखिए और भी इसमें पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, इसी तरह आप देख सकते हैं सिविल का। फिर यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये आप देख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं नीचे यहाँ पे, ये हमारे काम का नहीं है अभी। यहाँ पे आप फीस देख लीजिए, जो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है एज ऑन 24th, आप मीन्स आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए तभी आप भर सकते हो, और मैक्सिमम का हमने बात कर ली 30 साल है जनरल के लिए, OBC के लिए 33 है, और SC ST के लिए 35 है। ओके, साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो फीस क्राइटेरिया है वो आपका 200 है। ओके, और एप्लीकेशन फीस जो है वो केवल आपको ऑनलाइन मेड मोड में करना है, और ऑफलाइन मोड का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, टेक्निकल या उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट को छोड़ के बाकी जो भी पोस्ट हैं उसके लिए 100 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका 200 है। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिर हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या रिलैक्सेशन देख सकते हो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। फिर हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देखिए अब चूँकि जो जियोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं ध्यान में रख के बता रहा हूँ, साइंटिफिक असिस्टेंट बी ऑल डिसिप्लिन्स, मीन्स किसी भी डिसिप्लिन के आप हों, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या है, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी इन्वॉल्व इनिशियल स्क्रीनिंग, एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिससे आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फॉलोड बाय इंटरव्यू। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट बाय द अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी, वो आपका इंटरव्यू होगा। अब देखते हैं एग्जाम जो पैटर्न है, जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो क्या है। देखिए पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ये आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन वन क्वेश्चन विल बी ऑफ 300 मार्क्स, सो दैट विल इंकल्केट टू 300 मार्क्स, सो 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और माइनस वन मार्किंग है। ओके सो आप अगर तीन क्वेश्चन सपोज करिए, एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको उसके लिए मिलेगा 3 नंबर, और अगर आपने तीन क्वेश्चन गलत कर दिए, तीन क्वेश्चन मींस निगेटिव एयर कर दिया, तो आपने जो एक 3 नंबर का आपने क्वेश्चन सही किया हुआ है वो भी चला जाएगा। ओके या इसी को आप कह सकते हो 33% का निगेटिव मार्किंग है। ओके जनरली 25% का रहता है, 1/4 रहता है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है। सो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने होंगे, और चूंकि यहाँ पे जो लेवल रखा हुआ है वो ग्रेजुएशन रखा हुआ है, लेकिन इसमें अंडर ग्रेजुएशन वाले भी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले करेंगे, रिसर्च वाले भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपके बीएससी लेवल के ही नहीं आएंगे, एमएससी लेवल के, आप मान सकते हो कि मीडिएट लेवल के आएंगे, मींस एमएससी लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे और बीएससी लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ओके तो आपको ध्यान रखिएगा, मींस डिफिकल्टी लेवल आपका पेपर इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने सिलेबस अभी कुछ प्रोवाइड नहीं किया है कि क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आया होगा। अगर यहाँ इससे पहले एग्जाम कभी हुआ होगा, नेट पे अगर कुछ अवेलेबल होगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज आपको फिर जो जैम का एग्जाम होता है आईआईटी जैम का, उसको आप बेस बना करके प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ सिलेबस या एग्जाम पैटर्न के या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो अवेलेबल नहीं है देन। ओके सो 2 आवर्स का होगा। ओके 2 आवर्स का जो पेपर होगा आपका यहाँ पे होगा, ठीक। तो ये आपका साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके बाकी आप टेक्निकल ग्रुप, टेक्निकल जो टेक्नीशियन बी ग्रेड है उसके लिए करना चाहते हो उसके लिए भी कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यूडीसी है, अपर डिवीजन क्लर्क, उसका भी पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो ये आप देख सकते हो पैटर्न ऑफ लेवल 2 एग्जामिनेशन, ये इसी में दिया हुआ है। ओके सो यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं था, सो मैंने सोचा आप इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि आप अगर आपने कोई फॉर्म भर लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरा हुआ है आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, 200 फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। ओके यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, आप लास्ट डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और 24 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है, तो इस डेट के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो। ओके और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर्स होगा। ओके यहाँ पे 3 सेंटर्स आपको प्रोवाइड कराने हैं। देखिए यू हैव टू ऑप्ट फॉर 3 सिटीज इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, एमडी रिजर्व द राइट टू अलॉट द कैंडिडेट्स टू एनी सिटी सेंटर्स टू हैव होल ऑनलाइन टेस्ट इन एनी सेंटर्स। ओके सो देखिए यहाँ पे लगभग 16 सेंटर्स है ऑल अक्रॉस द इंडिया, सो इसमें से कोई भी सेंटर आपको मिल सकता है, बट आपको 3 सेंटर्स प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने सेंटर फिल कर सकते हो इसमें। ओके और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है या इम्पोर्टेंट जो भी रह सकता है, सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे एग्जाम होगा, मींस कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ इस तरह का दिया नहीं हुआ है, अगर आप जॉब में हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वही एनओसी वो सबमिट करनी रहेगी। ओके ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी के हो तो उसके लिए भी आपको फॉर्म भरने में जो दिक्कत आ सकती है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप सबमिट द कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन द
SCST, OBC, किसी भी आप मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो, EWS कैटेगरी के, तो तीनों के में आपको एक सर्टिफिकेट वर्क सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका बनेगा। ओके, सो अगर आपको फॉर्म भरना है और आपके पास अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस प्रोफार्मा पे नहीं है, तो आप अपने आप बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपका एक हफ्ते का टाइम है, तो आप दो चार दिन में बनवा सकते हो। ओके, जो प्रोफार्मा है अगर आप चाहोगे तो मैं कमेंट करिएगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाइएगा AMD की, वहाँ पर आपका प्रोफार्मा मिल जाएगा। AMD की वेबसाइट पर अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, वो मैं अभी लिंक दे दूंगा। ओके, लिंक तो वैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप अगर किसी चीज़ को देखने में या मिलने में परेशानी होगी तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, बस लास्ट डेट देखिए 24th of October है, ऊपर में ही मैंने बताया आपको। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी, इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ डिस्कस करने वाला नहीं था। ओके, अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट है वो अभी डिस्कस नहीं करने वाला है, बस यहाँ पे यही दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड इन फॉर द फील्ड एंड और लेबोरेटरी वर्क इन एनी वन ऑफ द रीजन्स विद द हेडक्वार्टर, इसका जो है न्यू दिल्ली में है, बाकी आपका बंगलोर है, नागपुर है, जमशेदपुर है, शिलोंग, जयपुर, हैदराबाद, और इन सेक्शन ऑफ ऑफिसेज लोकेटेड एट विशाखापट्टनम एंड तिरुवनंतपुरम। ओके, सो ये सेंटर्स पे आपको वर्क करना रहेगा, यही यहाँ पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया आपको लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज अप टू 24th अक्टूबर को 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, रात 12 बजे तक। ओके, पेमेंट शुड बी मेड ये 24 तारीख की रात तक आप कर सकते हो, और ओनली ऑनलाइन मोड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे दी हुई है md.gov.in, तो यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इनकेस अगर आपको कुछ रेफरेंस देना है या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। ओके, सो ये डिस्कशन हुआ, अब यहाँ पे आपको फॉर्म आप फिल करिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, और अगर एग्ज़ाम पैटर्न से या सिलेबस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी या एग्ज़ाम डेट से बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू।